पुष्पा राज तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टाइल आइकॉन अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज के 3 हफ्तों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, नानी की फिल्म श्याम सिंगर रोए के भी 2 हफ्तों के कलेक्शन के बारे में, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 के भी 2 हफ्तों के वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की, इसमें से कौन सी फिल्म रही हिट और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें नानी की फिल्म श्याम सिंगर रोए के बारे में, तो दोस्तों श्याम सिंगर रोए जिस फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था, इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था 44 करोड़ 26 लाख रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने 2 हफ्तों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 61 करोड़ 63 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों श्याम सिंगर रोए बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। वही बात करें रणवीर सिंह की फिल्म 83 के बारे में, तो 83 फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 5 भाषाओं के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 71 करोड़ 87 लाख रुपए और दूसरे हफ्ते में कमाए 25 करोड़ 13 लाख रुपए। इसी के साथ 83 फिल्म का शुरुआती 2 हफ्तों में इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 97 करोड़ यानी कि 97 करोड़ रुपए। वही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 2 हफ्तों के अंदर लगभग 180 करोड़ रुपए का कर लिया है। बता दूं दोस्तों 83 फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें स्टाइल आइकॉन अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज के बारे में, तो दोस्तों पुष्पा द राइज ने हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पुष्पा हिंदी ने पहले हफ्ते में 26 करोड़ 89 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था। वही दूसरे हफ्ते में पुष्पा हिंदी नेट कलेक्शन 20 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा और तीसरे हफ्ते में पुष्पा का हिंदी नेट कलेक्शन 25 करोड़ 40 लाख रुपए का रहा। यानी कि 3 हफ्तों के अंदर पुष्पा द राइज ने हिंदी नेट कलेक्शन किया 72 करोड़ 49 लाख रुपए का। लेकिन बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों पुष्पा द राइज ने सभी भाषाओं में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 350 करोड़ के रेंज में कर लिया है और अल्लू अर्जुन के पुष्पा द राइज भी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। हालांकि दोस्तों अगर आपने श्याम सिंगर रोए, 83 और पुष्पा तीनों ही फिल्में देखी, तो इसमें से आपको बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।